दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की प्रस्तुतियों के बारे में बात करने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य चार भागों में विभाजित है, तो आदिकाल के प्रस्तुतियाँ क्या थी इसके बारे में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सिद्ध काल, शुद्ध सामंत काल, बीज पवन काल, चारण काल आदि अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। आश्रयदाताओं की अतिरंजित प्रशंसाएं, युद्धों का सुंदर वर्णन, श्रृंगार मिश्रित वीर रस का आलेखन वगैरह साहित्य के प्रमुख विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आचार्य शुक्ल जी वीर गाथा काल कहते हैं। हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल या आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियां किस प्रकार थी इस बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार थी कि आदिकाल का राजनीतिक इतिहास राजपूतों के उत्थान पतन, मुसलमानों के आक्रमण और उनके शासन स्थापना का इतिहास है। इस काल में देश में एक सुदृढ़ एवं केंद्रीय शासन का भाव था। संपूर्ण राष्ट्र छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन अत्यधिक कमजोर हो गया था। इसी बीच महमूद गजनवी ने देश पर आक्रमण करके देश की राजनीतिक धारा को मोड़ दिया। इसके बाद विदेशी मुसलमान शक्तियों ने बराबर आक्रमण करके मुस्लिम शासन का मार्ग खोल दिया। इस काल में पारस्परिक युद्ध एवं राह आक्रमणों ने ऐसा वातावरण बना दिया कि साहित्यकारों को विवश होकर वीर गाथात्मक रचनाओं को लिखना ही पड़ा। इन रचनाओं का उद्देश्य समाज को इस योग्य बनाना था कि वे देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सके। अब हम आते हैं सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बात करें, तो सामाजिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार थी कि दो समाज पूरी तरह से दो वर्गों में बटा हुआ था। एक सेवक था और दूसरा वर्ग था सेवा कराने वाला। राजा वर्ग में राजा, सामंत एवं सरदार और सेवक वर्ग में प्रजा, दास, दासी, भांट, वैश्या आदि थे। तो सेवक वर्ग दूसरों की सेवा एवं मनोरंजन में लगा रहता था। राजपूत वर्ग स्वार्थ, अहंकार एवं संगीनता से परिपूर्ण होकर राजनीतिक एकता को खंडित कर रहा था। समाज में जाति पात भेदभाव बहुत ज्यादा था। स्त्रियों में आत्म उत्सर्ग की भावना थी, वे जौहर व्रत में विश्वास करती थी। उस काल में पत्नी वीर पति की, बहन वीर भाई की और माताएं वीर पुत्र की कामना करती थी। धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत धार्मिक एकता भी संतोषजनक नहीं थी। बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था, फलतः ब्राह्मण धर्म एवं वर्णाश्रम धर्म पुनर्जीवित हो रहे थे। हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त था। शैवों में कपालिक भैरवी जग रही थी, तो लिंगायत संप्रदाय आडंबर का विरोध कर रहा था। हठ योग और शक्ति संप्रदाय का प्रचार चल रहा था। इसी समय इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुसलमानों की बर्बर सेना ने सभी हिंदू धर्मों, संप्रदायों, मठों, मंदिरों को नष्ट करने का अभियान चलाया। अब हम साहित्यिक परिस्थिति के बारे में बात करें, तो आदिकाल में कवियों पर अत्यधिक उत्तरदायित्व था। वे कवि और सैनिक दोनों थे। एक ओर तो कवि जन जन में वीरता की भावना भरते थे और दूसरी ओर अपने हाथों में तलवार ग्रहण करके युद्ध में आगे जाते थे। इस काल में कवि चाण प्रवृत्ति वाले थे। उनकी कविताएं अतिशयोक्ति होती थी, जिनमें आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा होती थी। देश समाज आदि का उत्थान करना इस काल के साहित्य का उद्देश्य नहीं था। तो इस प्रकार हम जान पाए कि साहित्यिक परिस्थिति क्या थी, धार्मिक परिस्थिति क्या, सामाजिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति क्या थी। आदिकाल की परिस्थितियों के अंतर्गत आज हम लोगों ने बात किया। यदि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से और अध्ययन से जुड़ी और अध्ययन सामग्री चाहिए, तो आप hindikunj.com को विजिट करें। साथ साथ आपको यह लेख आदिकाल की परिस्थिति यदि आपको लिखित रूप में चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट इस लेख को पढ़ सकते हैं और अपने अध्ययन से इसका लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए, तो हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।